हाय गाइस, आज मैं दिखाने वाला हूँ एक मिनट में फुल एचडी फोटो एडिटिंग विद टेक्सचर के साथ। ओके, अगर आपको नहीं सीखना तो आप वीडियो को अभी एग्जिट कर दो। अगर आपको सीखना है तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो फुल एचडी फोटो एडिटिंग करने के लिए बस एक एप्स की जरूरत पड़ेगा, जो आपको मैं दे दूंगा, और उस एप्स में बस एक मिनट टाइम लगेगा, आपका फोटो फुल एचडी एंड स्किन टेक्सचर भी दिखेगा। और क्या है, एडिटिंग करने से पहले कुछ प्रोसेस है जो हमें करना पड़ेगा, जैसे कि अपनी फोटो की कुछ दाग वगैरह ये सब रिमूव करना एंड फेस को थोड़ा स्मूथ करना, और टेक्सचर वगैरह ये तो बाद में हम ऐड करेंगे। तो उससे पहले हमारे फोटो को लाइटरूम में थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है। जो एडिटिंग करना है ये फोटो है, एंड बाद में जो रिजल्ट होगा ना वो आप देख के चौंक जाओगे भाई साहब। और आपको पहले ही मैं बोल चुका हूँ, अगर आपको नहीं सीखना तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो फोटो है ना उसको हम लाइटरूम में सेंड करेंगे, एंड लाइटरूम में सेंड करके थोड़ी बहुत प्रोसेस है जो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो चलते हैं हम लाइटरूम में। ओके, आप देख सकते हो लाइटरूम में ओपन कर चुका हूँ और वही फोटो है जो आपने देखा है। तो पहले हम लाइट एडजस्ट करेंगे। तो लाइट पर जाने के बाद एक्सपोजर को थोड़ा ब्लास्ट करूंगा, एंड कंट्रास्ट को भी थोड़ा प्लस कर दूंगा जैसे कि 20, एंड हाईलाइट को थोड़ा माइनस कर दूंगा 64, शेडो को प्लस कर दूंगा 60-65, वाइट को थोड़ा प्लस करूंगा, ब्लैक को भी थोड़ा प्लस करूंगा। लाइट एडजस्ट हो चुका है तो अभी जाऊंगा कलर पर, एंड पहले जाना है आपको मिक्स कलर एंड ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर पर जाने के बाद पहले आपको लिमिनेंस को प्लस करना है जैसे कि 78, एंड सेचुरेशन को प्लस करूंगा कुछ 18, एंड ह्यू को थोड़ा प्लस करूंगा 5। अभी जाऊंगा रेड कलर, रेड कलर पर जाने के बाद पहले आपको लिमिनेंस पर हाथ लगाना है एंड कुछ कर देना है 60 तक, एंड सेचुरेशन को थोड़ा प्लस करूंगा जैसे कि आप देख सकते हो 18। इतना करने के बाद फेस टोन तो हो चुका है, उसके बाद बैकग्राउंड अपने हिसाब से आप कर सकते हो जो भी करना है आपको। पहले जाते हैं हम येलो कलर, येलो कलर पर जाने के बाद हम करेंगे सेचुरेशन को प्लस कुछ 76 एंड ह्यू को थोड़ा माइनस करते हैं कुछ ऐसा, अपने हिसाब से आप कलर रख सकते हो। तो अभी जाएंगे ग्रीन कलर एंड सेचुरेशन को कर देंगे माइनस 79, एंड ह्यू को भी कुछ माइनस कर देंगे। अभी देख सकते हो एक बैकग्राउंड टोन हो चुका है, आप कुछ भी रख सकते हो आपके हिसाब से। अभी नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है फेस में जितने भी दाग है वो सब रिमूव करना है, क्योंकि हम लाइट रूम पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि ये जितने भी दाग है ना ये सब को रिमूव करना है। उसके लिए आपको जाना है हीलिंग पर, तो हीलिंग पर जाने के बाद साइज अपने हिसाब से सेट कर लेना है और ऐसे आपको ब्रश कर देना है, जिधर भी आपको दाग दिखे तो आप ब्रश कर सकते हो ऐसे ऐसे, आप टैप करके सारी दाग आपको रिमूव कर लेना है। मैं जल्दी जल्दी में कर लेता हूँ। ओके, दाग रिमूव हो चुका है, अभी हम क्या करेंगे, इधर आपको ब्रश करना है तो आपको सिलेक्टिव पर जाना है, जाने के बाद प्लस पर क्लिक करना है एंड ब्रश पर जाना है और साइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। उसके बाद आप पूरे फेस में एकदम ब्रश कर लेना है जैसे मैं करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी में कर लेता हूँ। ओके, ब्रश हो चुका है जो आप देख सकते हो। अभी जाना है आपको इफेक्ट पर, इफेक्ट पर जाने के बाद जो टेक्सचर है ना इसको पूरा माइनस कर देना है, एंड क्लैरिटी को भी थोड़ा माइनस कर सकते हो, एंड इधर जाके आप शार्पनेस को थोड़ा माइनस कर सकते हो। अभी जो आपका फेस है ना पूरा स्मूथ हो चुका है तो हम इसको करते हैं डन, एंड डन कर देते हैं। फिर से आप सिलेक्टिव पर जा सकते हो, जाकर सिलेक्टिव यूज़ कर सकते हो। सिलेक्टिव पर गया, प्लस पर क्लिक किया एंड रेडियल ग्रेड लाइन, और फेस पर रखूँगा एक ऐसे, और एक टैप करके रखूँगा एंड डबल करूँगा, इस हैंड पर रखूँगा उसी तरह से ऐसे छोटा करके ऐसे रख देता हूँ, और एक डबल करूँगा और एक इधर रखूँगा उस इस तरह से। अभी क्या करना है, बस आपको लाइट पर जाना है, लाइट पर जाने के बाद व्हाइट को इंक्रीज करूँगा, देख सकते हो। अभी इसको कर दे डन, और अब डिटेल पर जाकर शार्पिंग को कर देना है आपको 90 या 84, एंड मास्किंग को कर देना है कुछ 76, एंड नॉइस को कर देना है कुछ 30। ऐसा करने के बाद आपका फेस और ज़्यादा स्मूथ होगा, आप देख सकते हो और ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। तो अभी हम कर लेंगे सेव। तो लाइटरूम की थोड़ी बहुत तो काम हो चुका है, तो इस फोटो को शेयर करना है एक ऐप पर जिसका नाम है रेमिनी। इस पर अगर आप पोस्ट करते हो ना और अपनी फोटो को इनहेंस करोगे तो एक मिनट में हो जाएगा। वो कैसे, चलो चलते हैं फोन के स्क्रीन पर। ओके, अभी हम जाएंगे रेमिनी ऐप्स पर जो आप देख सकते हो रेमिनी, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो ऐसे आपको ऐड वगैरह आएगा जो आपको एकदम कैंसिल कर देना है, एग्जिट कर देना है। उसके बाद आपको जाना है अपनी फोटो में, फास्ट में इधर आपको दिखेगा तो फोटो पर क्लिक करना है एंड इनहेंस पर क्लिक करना है। बिल्कुल
खत्म हो चुका है तो इधर से हम क्लोज कर देंगे। अब इधर से क्लोज कर दिया, अभी देख सकते हो हमारे फोटो इनहेंस हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लेगा। ओके, हमारा फोटो हो चुका है जो आप देख सकते हो। अभी आपको थोड़ा जूम करके दिखाया तो, और आप वीडियो की क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा कर लो जिससे आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये आप बिफोर देख सकते हो एंड आफ्टर देख सकते हो, एक एक बियर्ड आप देख सकते हो, एक तुम क्या लग रहा है, आप एक एक आप गिन सकते हो, मतलब बिफोर देखो और आफ्टर देखो। और स्किन जो टोन है ना वो भी बहुत सही है, पहले से बहुत ही सही है। अभी सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बस इधर से आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक करना है, और एक घटिया आपको ऐड आएगा, ये भी आपको देख लेना है, देखने के बाद डन कर देना है। तो ये भी देख लेते हैं। ओके, ऐड खत्म हो चुका है, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद इधर आप देख सकते हो लोडिंग हो रहा है, तो इधर से हम सेव कर लेंगे, बस डन कर देंगे। सेव तो पहले हो चुका है, बस हमें डन करना है। तो हमारा फोटो हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो, क्या आपको ये एप्स के बारे में पहले से पता था तो अपने से कमेंट करना, और आपको कैसी लगी एडिटिंग, मतलब एकदम जहर क्लैरिटी होता है, देख ही सकते हो फोटो की जो क्लैरिटी एंड जो टेक्सचर है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है। तो आप ऐसे एडिटिंग कर सकते हो, और अपनी फोटो की जो कलर टोन है ना उसको भी बहुत ही इनहेंस करता है, तो आप ट्राई जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में, वीडियो कैसी लगी एक बार बोल देना। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।